संत निरंकारी मिशन के द्वारा स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मौजूद सदस्यों को स्वच्छता के प्रति लीन रहने की शपथ दिलाई गई। काशीपुर में संत निरंकारी मिशन के द्वारा शहर की स्वच्छता की चिंता करते हुए स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह ने किया। इस दौरान द्रोणा सागर में मौजूद सामाजिक संगठन नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त व सफाई कर्मचारी और मिशन के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को उप जिलाधिकारी ने स्वच्छता के प्रति सजग रहने की शपथ दिलाई। जो हमारी समिति यहाँ है, इनके द्वारा जो है एक सफाई अभियान रखा गया है। पिछले वर्ष भी इनके द्वारा जो है यहाँ पे अच्छी सफाई की गई थी। तो चूंकि अब सफाई के बारे में देखेंगे तो अगर हम केवल नगर निगम या सफाई कर्मचारी के ऊपर ये छोड़ देंगे कि उनके द्वारा जो है सफाई की जाएगी तो हम अपने शहर को, अपने घर के आसपास को साफ नहीं रख सकते। तो इसमें हम सबकी भागीदारी होनी चाहिए। और जैसा कि जो थीम है जल को लेके, तो जल जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, उसका कंजर्वेशन कैसे हम उसको आगे बचाएं आने वाली पीढ़ियों के लिए, उसके तहत भी यहाँ द्रोणा सागर में काम चल रहा है। सेकेंड फेज में जो हमारी यहाँ पे लेक है उसका काम भी होना है, तो कैसे हम वहाँ पे वाटर रिचार्ज उसका बढ़ाएं। और इसके अलावा हमने आज यहाँ पे एक शपथ भी ली, जो इलेक्शन हमारा ये इलेक्शन ईयर है उसमें मतदाताओं को जागरूक करने के लिए, ताकि लोग अधिक से अधिक जो है मतदान का अपना उपयोग करें और वोटर के दिन और वोटिंग के दिन अपने जाके वोट डालें। अगर प्रत्येक नागरिक देश का ये ठान ले कि मुझे अपने आप को स्वच्छ रखना है, अपने घर को स्वच्छ रखना है, उसके साथ साथ अपने देश को स्वच्छ रखना है, तो ये इस स्वच्छता के कार्यक्रम में एक मील का पत्थर साबित होगा। और इससे हम लोगों को जो एजेंसियां, सरकारी अधिकारी और काम करते हैं उनको एक हौसला अफजाई होती है। देखिए आज कितने वृद्ध स्तर पर ये संत निरंकारी मिशन द्वारा देश के 27 राज्यों में और 960 स्थानों पर एक बहुत ही व्यापक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये देश ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक मिसाल कायम होगा। और आज हम ये द्रोणा सागर जो ऐतिहासिक तीर्थ स्थल भी है, इसकी जो सफाई का कार्य जो करेंगे, लगभग 2 घंटे बाद आपको ऐसा दिखाई देगा कि जैसे किसी का ये स्वयं का घर हो। और इतनी अच्छी सफाई जो प्रत्येक कोने कोने में, जो संत निरंकारी मिशन के जो कार्यकर्ता हैं कोने कोने में इसकी सफाई कर रहे हैं। सबके पास झाड़ू, पंजी, दराती, जो भी सफाई का उपकरण है सब उनके पास उपलब्ध है। और मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसे कार्यक्रम कराते रहे, नगर निगम का सहयोग हमेशा इनको बराबर मिलता रहे। इस बार 1500 स्थानों पर, लगभग 1100 ब्रांचों में 1500 जगह से ज़्यादा में सेवा करी जा रही है, ताकि जो व्यक्ति एक बार जब सफाई करता है तो वो निश्चय ही है वो आदमी कूड़ा कभी नहीं फैलाएगा। ये प्रेरणा जो है जन कल्याण के लिए दी जाती है कि हम बढ़ चढ़कर निरंतर इस सफाई में अभियान लेते रहा करें, क्योंकि इसमें ही हमारा सबका हित है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।